महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जो राजनीति है वो लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में मुंबई के कई सारे मौलाना हैं, उन्होंने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि सुबह के जो 5 बजे की अजान होती है वो अब लाउडस्पीकर पे नहीं बजेगी। इस सिलसिले में और बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना नूरी जी मौजूद हैं। आपसे जाना चाहेंगे मौलाना जी कि काफी अहम फैसला जो है वो लिया, क्योंकि कई सालों से जो 5 बजे की अजान होती है वो लाउडस्पीकर पे ही बजते ताकि सारे जो लोग रहते हैं वहां पर उनके कानों तक वो अजान जो है वो पहुंचे, लेकिन इस बीच जो इस तरीके की राजनीति चल रही उसमें बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया, तो क्या कुछ फैसला है, कितने लोगों ने मिलकर फैसला लिया, क्या कुछ है? ये जो है राज ठाकरे ने जो मसला शुरू किया, चूंकि हमारे मुल्क में आज से नहीं बरसों से जो है मतलब ये लाउड स्पीकर पे अजान भी हो रही है मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में भजन कीर्तन और जो भी होता है सब बराबर चल रहा था, लेकिन चूंकि अभी मुंबई में कॉरपोरेशन इलेक्शन है इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक, चूँकि राज ठाकरे जो है वो बिल्कुल गायब हो गए से पॉलिटिक्स से, उनका कहीं कुछ पता नहीं था और लोग उसको भूल गए थे, तो उन्होंने जो है अपने आप को ज़िंदा करने के लिए एक इशू उन्होंने शुरू किया, क्योंकि लाउड स्पीकर और मुसलमान ये सबसे बड़ा इशू है हिंदुस्तान में आज की तारीख में, हिजाब का मसला ले लो या मीट का मसला ले लो और ये मसला, तो ये बड़ी आसानी के साथ जो है लोगों में जो है पॉपुलर भी हो जाते हैं और जो है एक माहौल को जो है कमलाइज भी कर देते हैं, उससे जो है हिंदू मुस्लिम जो है डिवाइड हो जाते हैं और उनको उसका बेनिफिट लेना होता है, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये लाउड स्पीकर का मसला उठाया, तो और ये जिसमें पॉलिटिक्स होने लगी और ये पूरे मुल्क में होने लगी पॉलिटिक्स, ताकि उसका बेनिफिट लिया जा सके, हिंदू मुसलमानों में बंटवारा हो सके। हालांकि मुल्क में ऐसा माहौल है नहीं, हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, दिवाली होली ईद बकरीद सब साथ में मनाते हैं, ये हमेशा माहौल रहा, लेकिन उन्होंने एक शोशा छोड़ करके डिवाइड करने की कोशिश की, तो इसलिए हम लोगों ने कि भाई इसकी हवा निकाल दी जाए, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के लाउड स्पीकर भजन कीर्तन हनुमान चालीसा, ये हमको कोई तकलीफ थोड़ी हनुमान चालीसा से, भाई बरसों से होता चला आया। हमारे एक मिसाल है बाइकला में हिंदू मोती मस्जिद है बाइकला ईस्ट में, सामने चर्च है, बाजू में बिल्कुल एक दीवार है, मस्जिद भी है और मंदिर भी है, वहाँ मंदिर में जो है मतलब बाकायदा जो है भजन वगैरह भी होता है, उधर अजान भी होती है, नमाज भी होती है, कोई झगड़ा नहीं है, ब्रिटिश जमाने से हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने हमारे ऑल इंडिया सुन्नी जमतुलमा है, रज़ा एकेडमी है और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने, हमने सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम जो है सुबह की अजान, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये है कि 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप किसी भी उसमें, तो हम लोगों ने कहा कि जो है सुबह की जो अजान होती है फजर की सुबह 6 बजे कभी 5:30 बजे, चूँकि अभी टाइम जल्दी होता है, तो उसको जो है लाउड स्पीकर पर न दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल भी किया जाए, और जो है जो फिरका परस लोग जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनकी भी हवा निकाली जाए, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी जो है फजर की अजान अजान जो है लाउड स्पीकर पे नहीं दी जाएगी, ये हम लोगों ने डिसीजन किया। तो ये सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे महाराष्ट्र में आप लोगों ने सारा फैसला लिया कि अब से 5 बजे की जो अजान बजती है 5:30 की वो कहीं भी नहीं बजेगी, ताकि जो हवा मिल रही है सारी चीजों को ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल यही हमारा मकसद है। अब सवाल ये है कि अब जो खबरें आ रही है अब मंदिरों में जो हनुमान चालीसा या भजन कीर्तन हो रहा है उसके लिए भी शायद उन्होंने राज ठाकरे ने बोला है, लेकिन उसके लोगों ने मुखालफत भी करनी शुरू की है उनकी, और क्या कहते हैं साईं बाबा में जो शिरडी में वहाँ तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं आप जो है हम लाउड स्पीकर पे अजान नहीं देंगे, लेकिन आप माइक में जो है भजन कीर्तन भी करो हनुमान चालीसा भी करो हम आपके साथ हैं, ये मतलब भाईचारा है जी। तो ये हमारा माहौल है, ये हमारा जो है परम्परा भी है और हम मिलजुल करके, यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, भारत की खूबसूरती इसी से है, हम मिलजुल के रहते हैं जी। ये हमारा पैगाम है जी। तो देखिए साफ तौर पर राज ठाकरे ने कहा है कि जब तक जो है लाउडस्पीकर मस्जिदों के नहीं हटेंगे तब तक मंदिर पे हम कुछ कदम नहीं उठा सकते, जो पहले जो है वो मस्जिदों से ही काम शुरू होगा, उसके बाद मंदिर चर्च और सारी चीजों पे जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हटने का सवाल कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हमने सुबह की अजान बंद कर दी लाउड स्पीकर पे, अजान होती है लेकिन बगैर लाउड स्पीकर होती है, तो उसमें हटने और नहीं हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, जिस चीज़ से तुमको प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया,
उस पर ऑब्जेक्शन उसी पे था तो हमने उसको बंद कर दिया, तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो, या हम ये कहें कि मंदिरों से तुम उतारो, या तो तुम्हारा काम है उतारो ना उतारो, हमको कोई तकलीफ नहीं है किसी से। भजन कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, या जो है गुरुद्वारे में जो है भजन होता है, वहाँ प्रार्थना होती और चर्च में होता है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिनके जहन गंदे हैं, ख़राब हैं, और उनके जहन में जो है कैंसर फैला हुआ है, तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। हम तो मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, और इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है और हम अमन का पैगाम देते हैं। आनंदी जी, एक और बात जानना चाहूंगी, कैसे एमएनएस ने जब से लाउड स्पीकर को लेकर सारी राजनीति शुरू की है, उसके बाद आज जो है मुंबई के दो मस्जिद जो है उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि जो लाउड स्पीकर में अजान और नमाज की आवाज थी वो काफी ज्यादा तेज थी, तो एक्शन लेना जो है वो तुरंत ही शुरू कर दिया गया है, दो मस्जिदों पर जो है केस रजिस्टर कर दिया। ठीक है, पुलिस का काम है, वो उनके हिसाब से, उनके कानून के हिसाब से कोई कानून का उल्लंघन हो रहा होगा, उन्होंने किया होगा, तो उसमें क्या कहते हैं, हमको जो है जो लोग ऐसा करते हैं उनको नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ वर्जी हो। हमने इसीलिए तो डिसीजन लिया ना कि हम फजर की अजान नहीं देंगे लाउड स्पीकर पे, तो इसलिए जो है उसका डिसिप्लिन जो है उतना ही होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम उसके बिल्कुल उससे मुतफिक है। तो जो लोग ऐसा करते हैं हम तो उनको अपील करेंगे हमारे लोगों से कि वो जो है अपने जो है माइक के जो है डिसिप्लिन जो है वो इतना रखें जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से रखें। और देखिए, आप लोगों ने जो बड़ा फैसला लिया है उस पर आपको मतलब अभी लग रहा है, क्योंकि सुबह की जो 5 बजे की अजान थी उससे ही काफी ज्यादा दिक्कत एमएनएस के लोगों ने शुरुआत की थी, तो ये जो बड़ा फैसला लिया उसके बाद से जो हवा है राज ठाकरे की पॉलिटिक्स और हिंदू मुसलमान को अलग करने की, क्या वो फुस हो जाएगी हम कह सकते हैं? नहीं, उनकी हवा तो निकल गई, अब उसमें जो है हवा रही नहीं गई, अब हवा निकल गई है, अब वो थोड़ी बहुत है जो वो भी सब खत्म हो जाएगी अपने आप, इसलिए कि वो चाह रहे थे ना कि मुसलमान बजाएं और लाउड स्पीकर और हम हनुमान चालीसा करें, तो दोनों में टकराव हो, दंगे फसाद हो, माहौल ख़राब हो, और हम लोग नहीं चाहते हमारे मुल्क में अमन शांति ख़राब हो। हम तो मुल्क में चाहते हैं, पूरे मुल्क में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे मुल्क में चाहते हैं भाईचारा कायम रहे। हम जिस तरह पहले होली, दिवाली, ईद, बकरीद हम साथ में मनाते थे, इसी तरह हम साथ में मिलाएं, मनाएं, गले मिल के रहें, एक दूसरे के यहाँ मिठाई भी होली की जाए, बकरीद की सेवैयाँ भी जाएँ, आए, सब मिलकुल जुल के रहें, हमारा ये पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर जो लाउड स्पीकर का मसला है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई सारे जो मस्जिद है उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में जो 5 बजे की सुबह की अजान होती है अब वो लाउड स्पीकर पर नहीं बजेगी, क्योंकि जो पूरा मसला है वो उसी से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान में कोई भी अंतर आए या कुछ झगड़े फसाद की जड़ हो, इसके लिए इन सब लोगों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है कि सुबह की 5 बजे की जो अजान है वो लाउड स्पीकर पर अब से नहीं बजेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश के साथ श्रेया दुबे, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।